शिविर में अनेक रोगियों ने लिया सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों से परामर्श। शहर के शास्त्री नगर स्थित एक निजी विद्यालय में आज एक दिवसीय चिकित्सकीय परामर्श शिविर का भव्य आयोजन किया। इस संदर्भ में कल एक पत्रकार वार्ता रखी गई थी, जिसमें तेरा पंथ धर्म संघ की साध्वी परम यशा, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निकुंज व्यास और डॉक्टर सत्य गुप्ता ने पत्रकारों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल और श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा संस्था की ओर से आज सुबह से ही इस निःशुल्क मेडिकल कैंप में परामर्श लेने के लिए लोगों की लाइन लग गई। मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कोठारी ने बताया, स्वर्गीय माणक चंद चोरडिया लाछोड़ा की पुण्य स्मृति में आयोजित इस शिविर में 400 से ज्यादा मरीजों को अनुभवी डॉक्टरों द्वारा परामर्श दिया गया। सुबह 9 बजे शुरू हुए शिविर में चोरडिया परिवार ने अहमदाबाद से आए सभी डॉक्टर्स का स्वागत किया। शुरुआत में सेमिनार जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी का भी आयोजन हुआ। दोपहर 2 बजे तक डॉक्टर से मिलने जन सैलाब उमड़ता रहा। क्या बूढ़े क्या महिलाएं, जो अहमदाबाद जाने में असमर्थ थे, सभी ने बीमारी के इलाज के लिए यहीं पर परामर्श लिया। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा संस्था अध्यक्ष जसराज चोरडिया ने कहा, मानव सेवा की भावना से इस शिविर का आयोजन किया है। शिविर में डॉक्टर किशोर गुप्ता, डॉक्टर टीकेवी गणपंथी, डॉक्टर इंद्र देसाई, डॉक्टर राजीव कुमार बंसल, डॉक्टर केवल चागड़िया, डॉक्टर सुरभि मदान, डॉक्टर स्वाति नायक जैसे वरिष्ठ और अनुभवी चिकित्सकों ने परामर्श दिया। इस अवसर पर तेरापंथ सभा मंत्री योगेश चंडालिया, शिविर संयोजक विनोद पितालिया, मुकुल वैष्णव, केतन आचार्य सहित श्वेतांबर तेरापंथ जैन समाज के कई पदाधिकारी और वरिष्ठ समाजजन उपस्थित थे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, आज शहर में श्वेतांबर जैन समाज और मेरिंगो सिम्स की तरफ से एक कैंप रखा है। इस कैंप में अहमदाबाद से बहुत सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, ऑर्थो डिपार्टमेंट के हैं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। हमारे बीच में ऑर्थो के डॉक्टर देसाई यहाँ विराजमान हैं, उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शहर में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आजकल ये जो जनरली घुटनों की प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी दिखी जा रही है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो क्या पर्टिकुलर चीज़ में कोई एज ग्रुप काउंट करता है? नहीं, बेसिकली इसमें ये सब होता है कि नी में जो पेन होता है वो जनरली जैसे उम्र बढ़ती है वैसे आपका वजन बढ़ता है, और मोस्ट ऑफ पीपल जो एक्टिव नहीं होते, अगर कुछ भी कुछ कसरत नहीं कर रहे या कुछ व्यायाम नहीं कर रहे, साइकिलिंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, इसके कारण पेन आपको बढ़ता ही जाता है। और जिस तरह एज होती है वैसे अपना वजन घुटनों पे आता है, फिर वो उसके कारण घुटने में कसरा होता है, जिसके कारण वीकनेस होती है। और जैसे एज होता है वैसे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी भी होती है, और उसके बाद स्लोली स्लोली पेशेंट के जो जॉइंट होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, और उसके फिर वो चलने में कोई दिक्कत आती है। जब चलने में दिक्कत आती है फिर वो लोग चलते ही नहीं, फिर और बीमारी जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, या फिर जैसे कि और कोई बीमारी और ज़्यादा हो जाती है, वो भी हो सकती है। ये सब एक बार एक प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। सो बेसिकली जैसे एक्सरसाइज और साइकिलिंग बहुत ही कम अवेयरनेस है किसी इंडिया में, तो और लोग ऐसे बहुत प्रोत्साहन भी नहीं करते कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर व्यायाम करना चाहिए, और लोगों में वो है कि मतलब वो प्रायोरिटी में आता ही नहीं। लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत व्यायाम हो गया, वो खुद के हेल्थ के लिए बहुत कुछ कम एफर्ट्स डालते हैं। पहले देखा गया है जैसे 60 अबाउट जनरेशन थी, उन जनरेशन के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं के घुटनों में प्रॉब्लम्स पाई जाती है। आजकल जल्दी देखा जाए तो जवान हैं उनकी घुटनों में कहते कभी उनकी बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी जैसे घुटने में आवाज़ आ रही है, बाकी ये बेसिकली फैक्टर्स नहीं कर सकता है। सो बेसिकली आजकल ऐसा हो गया कि सब लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर बेसिकली कॉर्पोरेट जॉब हो गए सबके, और 9 to 8 आप अगर लैपटॉप के सामने बैठ रहे हो आपके बॉडी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। मेरे को लगता है हेल्थ इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो अपने लिए। तो मेरे को लगता है एटलीस्ट यू शुड एटलीस्ट स्पेंड 40 minutes to 50 minutes आपके साइकिलिंग करो या कुछ भी करो एटलीस्ट, बट आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा। अगर आप एक दिन में शुरू करो फिर वो 30 दिन के बाद आपको एफर्ट दिखेगा, पर लोग वो कर ही नहीं पा रहे हैं। उसके कारण जल्दी छोटी एज में पीपल लोग जल्दी एजिंग उनको होता है, नी इश्यूज होते हैं, नी पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, और बाकी सब बीमारी भी उनके साथ आती है। जनरली आजकल लेडीज में प्रॉब्लम्स यही दिख रही है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम कम ज़्यादा रहता है, वो किन कारण से? उसमें कैसे होता है कि पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग पोस्चर जैसे मोस्ट ऑफ पीपल ऐसे बैठते हैं, वो ऐसे स्टेज नहीं कर पाते, और ये जो पोस्चर सब लोग मतलब कोई ध्यान भी नहीं था कि आपको ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, और मोस्ट ऑफ पीपल वो सीट पे बैठते, चेयर पे बैठते, उनका कम्फर्ट होता है, पोस्चर सही नहीं होता, इस कारण उनको स्पाइन के इश्यूज होते हैं। और बेसिकली मैं बोलूँगा कि एक्सरसाइज सबसे लैकिंग चीज़ है अपने उसमें, तो इसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। अंत में एक ही क्वेश्चन लास्ट है, ये जिंदगी की प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रिकॉशंस के लिए अपन न्यू जनरेशन या जो भी है उनके एड्रेस आ रहे हैं?
मैं तो एक ही कहूँगा कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आप ऐसी जीतो लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सर्जरी भी करवा लो पर अगर आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। सो एट दी एंड आप खुद बदलना चाहते हो फिर ही आप कुछ चेंज कर सकते हो अगर आप खुद एक्सेप्ट नहीं। जी सर नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निकुंज जयप्रकाश व्यास है। हम मैरिंगो सिम्स अहमदाबाद स्थित हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं एंड आज हम आए हैं भिलवाड़ा के तेरापंथी समाज के आयोजित कैंप में। और आज पेशेंट्स 300 पेशेंट रजिस्टर हुए हैं और रजिस्टर्ड पेशेंट्स की सेवाएं देने के लिए आज हम आए हैं यहाँ पे उपस्थित। और बेसिकली हम यहाँ पे हार्ट अवेयरनेस और प्लस ऑर्गन डोनेशन के लिए आए हैं कि एटलीस्ट आज जीवन के साथ और जीवन के बाद का अवेयरनेस बहुत करना है। जीवन के साथ में हमें हमारी प्लस आजू बाजू हमारे स्थित लोगों की भी हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझाने आए हैं कि हमारी हेल्थ हम कैसे इम्प्रूव करें। तीन चीज़ों से, पहली चीज़ है खुद की हेल्थ करने से कैसे, जैसे हमें रोज़ आधा घंटा से पौना घंटा हमें खुद का व्यायाम करना है, चलना है, थोड़ी साधारण कसरत करनी है। दूसरा है खाना, हमारे खाने में हमें ध्यान रखना है। तीन चीज़ उसमें भी, एक पीला सफ़ेद जो हम खाते हैं नमक वो कम खाना है। दूसरा है तेल, उसे भी हमें कम करना है खाने में। और तीसरा है हमारा शक्कर का भी उपयोग हमें कम करना है खाने में। तो इससे हमें हमारी हेल्थ का उपयोग हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है जैसे हम हमारी हेल्थ का केयर कर रहे हैं वैसे ही हमें हमारे आसपास के लोगों का, हमारे घर के सदस्य का भी हमें इसी तरह से उसका सावधानी से उनका ख्याल रखना है। ये तो हुआ हमारा कि ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी के बाद का है कि हमें हमारा जीवन जो है हमने जिया है, हमारा स्वस्थ अच्छे से रखा है, वो हमारा अच्छे स्वस्थ से हमारा जो स्वस्थ ऑर्गेंस है वो ऑर्गेंस हम जीवन के बाद भी हमें किसी 5-6 लोगों को हम अपना जीवन सुधार सकते हैं हमारी माध्यम से। जैसे कि हम हार्ट दे सकते हैं दूसरे के जीवन में, हार्ट की बीमारी है तो उसको हार्ट डोनेट कर सकते हैं, नेत्र है तो नेत्र भी डोनेट कर सकते हैं, फेफड़े हैं हमारे, फिर हमारे किडनीज है, लिवर है, उसके माध्यम से हम करीब करीब 8 लोगों की जीवन सुधार सकते हैं। तो हमारा माध्यम यही है कि जीवन के साथ और जीवन के बाद लोगों को हार्ट के माध्यम से, ये अवेयरनेस के माध्यम से हम उनको सूचना देना चाहते हैं। हम मूल निवासी गांव लाछुड़ा जो भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उनका गत वर्ष देहावसान हो गया। तो हमारे परिवार ने उनके स्मृति ताज़ा रहे उस संदर्भ में ये सिम्स हॉस्पिटल का मेडिकल कैंप लगाया है। और सिम्स जाना पहचाना और इंडिया में लार्जेस्ट जो टॉप श्रेणी में जो हॉस्पिटल आता है उनकी बहुत बड़ी टीम यहाँ तेरापन सभा की ओर से प्रेरित है, आयोजित है, वो आई है ना, ताकि आप डॉक्टरों की सारी टीम को हम दिखा सकें और किसी का उन्होंने